उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन द्वारा जिला एवं प्रदेश पदाधिकारियों के सानिध्य में महानगर इकाई आगरा का गठन किया गया। नमक की मंडी आदर्श गली में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सरापा स्वर्णकार व्यवसाय कमेटी के अध्यक्ष राजू मेहरा उपस्थित रहे। मेरा जो भी सहयोग चाहिएगा, भले ही मैं जाति से स्वर्णकार नहीं हूं, लेकिन व्यापार से समाज के साथ जुड़ने से मैं स्वर्णकार ही हूं और हमेशा प्रयासरत रहूंगा कि समाज का नाम, हमारे बाजार का नाम। महानगर की कार्यकारिणी गठन के अवसर पर भव्य स्वागत सम्मान उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन की जिला एवं प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हरिकिशन वर्मा, मुख्य संयोजक घनश्याम वर्मा, मीडिया प्रभारी दीपक वर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने संयुक्त रूप से महानगर अध्यक्ष प्रदीप वर्मा उर्फ पप्पू पुवाई वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वर्णकार समाज को अपने अधिकार पाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है और एकजुटता ही समाज को न्याय, सम्मान और हक दिलवाएगी। मेरा नाम हरिकिशन वर्मा ढाई वाले, और आज ऐसा शुभ अवसर आया है जो मुझे उत्तर प्रदेश स्वर्णकार विकास समाज एसोसिएशन केंद्र से मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया है। जो मेरे भाई जिला अध्यक्ष बने हुए हैं और जो जिला की जो कार्यकारिणी है, सब ने मेरा बहुत भूर प्रशंसा करूंगा मैं उनकी। उन्होंने मुझे यहां बुला करके और बहुत सम्मान दिया है, मैं उसका हमेशा आभारी रहूंगा। क्या प्राथमिकताएं होंगी अब आगे? प्राथमिकता ये है, वहां से जो आदेश आते रहेंगे हम करते रहेंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि छोटे समाज, हमको छोटे से माना गया है, हम इस समाज को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास है हमारा। जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे केंद्र ने सूचना दी है कि जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए एक स्कूल का प्रबंध किया जाएगा, उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, फीस माफ़ होगी, फीस की कोई लेना देना नहीं है, और लेकिन आपको उनका परिचय लाना पड़ेगा और लाने के उपरांत सारी व्यवस्था उनकी हमारे ऊपर छोड़ देंगे, हम उनका पूरी तरह से लालन पालन करेंगे, हर तरह से उनकी शिक्षा का ध्यान रखते हुए उनकी शिक्षा को पूर्णतः। जिला कार्यकारिणी से चेयरमैन सुरेश चंद वर्मा, जिला अध्यक्ष पूरन चंद वर्मा, सरेंदी वाले जिला कोषाध्यक्ष विजय वर्मा आदि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि स्वर्णकार समाज में हुनर की कमी नहीं है, हुनर से ही सोने चांदी के आभूषणों का निर्माण किया जाता है, जिसका श्रृंगार करके लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए खुद की काबिलियत को पहचानने की जरूरत है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राजू मेहरा ने कहा कि कोई भी संगठन संस्था की कामयाबी उसके मनोभाव पर और नेतृत्व की कार्यक्षमता पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन की महानगर टीम को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि स्वर्णकार समाज के हक और उसके उत्थान के लिए महती भूमिका निभाकर अन्य संस्थाओं के लिए उदाहरण पेश करेंगे। पूरी नवगठित टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में जरूर वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि आप लोग दोबारा उनके लिए खड़े हों आके और उनके कार्यों की प्रशंसाएं करें। मैं अपनी तरफ से एक स्वर्णकार समाज की स्वावलंबी महिलाओं के लिए घोषणा करना चाहता हूं। मैं एक सिलाई कढ़ाई का स्कूल संचालित करता हूं, उसमें जितनी भी स्वावलंबी महिलाएं जो खुद का रोजगार शुरू करने की प्रयास करती हैं और सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती हैं, उनको फ्री सिलाई कढ़ाई सिखाने की, अभी कोविड की वजह से डीएम की तरफ से रोक है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल प्रारंभ होगा उन्हें फ्री में मेरे द्वारा सुविधा जो भी आएंगे अध्यक्ष महोदय की मार्फत उन्हें फ्री में सिखाने की व्यवस्था मैं करूंगा। इन लोगों को किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहोगे? शुभकामनाएं तो आज पद मिले हैं उस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हकीकत में ये लोग शुभकामनाएं के पास तब होंगे जब वाकई में कुछ सामने दिखाई देगा और कुछ करके दिखाएंगे।
उम्मीद करता हूँ ये लोग ज़रूर कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी जितने भी ये परिचित चेहरे हैं इन्होंने अभी ये कमेटी में रहते हुए, बाजार कमेटी में रहते हुए मेरा बहुत सहयोग किया है, और आज बाजार कमेटी जिस ऊंचाइयों पे है बिना इनके सहयोग के यहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी, तो उम्मीद है कि समाज को भी ये आगे लेके जाएं। महानगर की टीम ने भी अतिथियों को बेहतर कार्यों के लिए आश्वस्त किया। प्रदेश सराफा एसोसिएशन द्वारा आज मेरे को इसमें महानगर अध्यक्ष का जो पद मिला है इसको मैं पूर्ण रूप से निभाने का प्रयत्न करूंगा, और उसको जो समाज के लिए जो भी व्यक्तिगत काम है उसके लिए मैं सदा तात्पर रहूँगा। यहाँ जिस तरीके से स्वागत सत्कार हुआ है उच्च पदाधिकारियों द्वारा, उनके लिए क्या कुछ कहना है? एक इनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा जो मेरे को आज मिली है, मैं यही प्रचार कोशिश करूँगा कि इसी तरह की प्रेरणा मेरे को मिलती रहे, और मैं इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके आशीर्वाद के जरिए मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न करूँगा। सामाजिक कार्यों में किस तरह के कार्यक्रम आप एसोसिएशन के माध्यम से किया करेंगे? सामाजिक कार्यक्रम जैसे आप भी देखते हुए आए हैं जिस तरीके से कि शिक्षा वगैरह है, और जो अपने यहाँ विवाह शादी जो होते हैं उसके अंदर भी जो हम सारे काम करते चले आए हैं, लेकिन हो सकता है हम उस प्लेटफार्म को और भी ज़्यादा मजबूत करते हैं और ऊंचाई तक लेकर जाएं। सबसे पहला जो नई कार्यकारिणी जो शहर अध्यक्ष की गठित हुई है उत्तर प्रदेश सराफा स्वर्णकार एसोसिएशन की, सबको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और बस यही उम्मीद है कि जिस आगे और इस तरीके से एक जो यही उद्देश्य के साथ कि हम पूरा सहयोग करेंगे हर चीज़ में, हर चीज़ में। स्वर्णकार समाज का जिस प्रारूप में गठन हो रहा है वो एकल मत को, एक एक व्यक्ति को इतना हर्षोल्लासित कर रहा है अंतः मन से, जिस प्रकार से सभी समाज एकत्र होकर काम कर रहे हैं समाज के अंदर एक दूसरे के लिए अपने ही समाज में, उसी प्रकार आज स्वर्णकार समाज एकजुट हुआ है, और मैं आशा करता हूँ हमारे माननीय अध्यक्ष और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे माननीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी के सानिध्य में रहते हुए, उनके नेतृत्व में रहते हुए हम स्वर्णकार समाज को, हमारे समाज के युवाओं को एकजुट करेंगे और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, और हमारे समाज को एक बहुत अच्छा स्थान हमारे पूरे जो संगठित समाज है उसमें दिला पाएंगे। एसोसिएशन के प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी द्वारा महानगर की टीम के इस स्वागत सत्कार के कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रदीप वर्मा पुवाई वाले, उपाध्यक्ष कुमुद वर्मा रानू ठाकुर, महामंत्री मनोज वर्मा गलाई वाले, कोषाध्यक्ष हर्ष सिंह सोनी, उपाध्यक्ष चंदन वर्मा, ज्ञानेंद्र वर्मा, दीपक वर्मा, आलोक वर्मा, संगठन मंत्री रजत वर्मा, सहमंत्री मोहित वर्मा, योगेश वर्मा, मीडिया प्रभारी सागर वर्मा, ऋतिक सोनी, नगर मंत्री राजीव वर्मा, सहमंत्री अभिषेक वर्मा, सह कोषाध्यक्ष रवि वर्मा आदि कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आए। एसोसिएशन की महानगर टीम का जिला एवं प्रदेश व पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न मार्केटों में भ्रमण कर स्वागत सम्मान कराया गया। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।